क्या इंग्लैंड की टीम बाउंस बैक करेगी श्रृंखला में या फिर टीम इंडिया श्रृंखला जीत जाएगी। नमस्कार, मैं हूं गुलशन शर्मा और आप देख रहे हैं माय टीम 11 मैच प्रीव्यू और हम बात करेंगे सेकेंड ओडीआई मैच की। तो टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले 317 का डिफेंड किया और श्रृंखला में ली 1-0 की बढ़त और अब पूरा का पूरा जो पलड़ा है वो इंडिया का बहुत भारी है। लेकिन दूसरे ओडीआई मैच में कुछ चेंजेस नज़र आ सकते हैं और एक नहीं काफ़ी चेंजेस आपको नज़र आएंगे और वो सारे चेंजेस फोर्स चेंज है क्योंकि इंजरी जिस तरह से हुई है श्रेयस अय्यर की पिछले मैच में, इसके अलावा एक और इंजरी रोहित शर्मा की, तो ऐसा माना जा सकता है कि दोनों ही प्लेयर दूसरे ओडीआई मैच में नहीं खेलेंगे। तो ऐसे में टीम कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह हो सकता है कि शायद ऋषभ पंत को टीम में लाया जाए और वो नंबर 6 पर बल्लेबाजी करें और केएल राहुल को ओपन करने भेजा जाए शिखर धवन के साथ। उसके अलावा श्रेयस अय्यर की जगह सूर्य कुमार यादव अब ओडीआई में भी डेब्यू कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि शुभमन गिल को ट्राई किया जाए एज एन ओपनर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत आपको प्लेइंग 11 में खेलते नजर आएंगे। बॉलिंग में कोई चेंजेस नहीं होंगे, प्रसिद्ध कृष्णा और कुणाल पांड्या जिन्होंने कि पिछले मैच में डेब्यू किया था वो इस मैच में भी खेलेंगे और टीम इंडिया इस तरह अभी कॉम्पैक्ट नजर आ रही है जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया। 135 बिना किसी विकेट के इंग्लैंड था और उसके बाद जिस तरह से इंग्लैंड को उन्होंने ऑल आउट किया, कमाल का कमबैक देखने को मिला और प्रसिद्ध कृष्णा कुणाल पांड्या ने तो रिकॉर्ड बनाए अपने डेब्यू मैच में। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड की टीम में भी एक इंजरी की अपडेट है, वो है सैम बिलिंग्स के तौर पे। अब ये नहीं कहा जा सकता कि इंजरी कितनी बड़ी है, तो हो सकता है कि सैम बिलिंग्स को बैठाया जाए और उनकी जगह लिविंगस्टोन को टीम में लाया जाए, लेकिन ये अब वहीं पर तय होगा क्योंकि अभी मैच में एक दिन और बचेगा तो कहीं ना कहीं शायद मॉर्गन सेम 11 के साथ भी जा सकते हैं। तो टीम इंडिया और इंग्लैंड दोनों का ही मैच काफी शानदार हो सकता है और इंग्लैंड कोशिश करेगी बाउंस बैक करने की। और अब हम बात करते हैं फैंटेसी पिक्स की। तो दूसरे ओडीआई मैचेस में जहां चेंजेस बहुत सारे हैं, तो ऐसे में फैंटेसी पिक में भी आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। पहला जो चेंज है, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा पिक नहीं कर सकते, ऐसे में आपको केएल राहुल को पिक करना चाहिए क्योंकि वो अब करेंगे ओपन। कमाल की फॉर्म उनकी है और ओपन करते उनका एवरेज भी काफी अच्छा है। दूसरे प्लेयर मेरे साथ हो सकते हैं शिखर धवन, जिन्होंने कि पिछले मैच में 98 रन स्कोर किए और पिछले 3 पारियों में लगातार उन्होंने अर्धशतक जमाया है। और तीसरा नाम यहां पर डेफिनेटली विराट कोहली होंगे क्योंकि पुणे की जो सरफेस है पूरी तरह से बैटिंग ट्रैक है और ऐसे में उम्मीद है कि विराट कोहली शायद इस बार अपना सैकड़ा पूरा कर सकें। अब बात करते हैं इंग्लैंड की टीम की तरफ से फैंटेसी पिक्स और पहला नाम यहां पर होगा बेन स्टोक्स का। आपने देखा कि बेन स्टोक्स थोड़ा टॉप ऑर्डर में आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए और पूरा स्पेल भी कर रहे हैं। पिछले मैच में 3 विकेट उन्होंने झटके थे, बैटिंग में कुछ खास नहीं कर पाए लेकिन फैंटेसी में अच्छे खासे पॉइंट्स वो दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरा नाम होगा ओपनिंग स्लॉट में से जेसन रॉय या बेस्टो में से किसी एक को पिक कर सकते हैं। मैं पिक करूंगा जॉनी बेस्टो को, जिन्होंने कि शानदार 94 रन किए थे, ताबड़तोड़ बैटिंग की थी और उनकी फॉर्म भी लगातार अच्छी चल रही है। और तीसरा नाम जो यहां पर मैं लेना चाहूंगा, कंडीशंस को देखते हुए मुझे लगता है कि जेसन रॉय को आपको पिक करना चाहिए। बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे हैं लेकिन जिस तरह की उनकी कंसिस्टेंसी है पूरे टूर में वो शानदार है। तो ये होंगे मेरी 3 पिक। और यदि मैं ओवरऑल बात करूं तो इंडिया का पलड़ा भारी लगता है, मुझे लगता है कि इंडिया की टीम श्रृंखला अपने नाम इस मैच के साथ कर लेगी। फिलहाल तो बने रहिए माय टीम 11 के साथ, फैंटेसी खेलते रहिए और जुड़े रहिए सटीक विश्लेषण के लिए। थैंक यू सो मच।